तीन राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी की बात करते हुए कोर्ट जाने का ऐलान किया है। ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, कांग्रेस कहीं भी जाए लेकिन वो जनता की अदालत में चुनाव हार गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने हार के लिए ईवीएम की गड़बड़ी को जिम्मेदार माना है और इस मामले को कोर्ट ले जाने की बात कही है। कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, जो परिणाम आने थे वो परिणाम नहीं आए। पीसी शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए बीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, जनता की अदालत में वो हार गए हैं। लोकतंत्र में जनता आशीर्वाद देती है, जनता चुनाव में हिस्सा लेती है। ईवीएम का काम नहीं है हारना और जीतना, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जनता ने उन्हें नकारा है। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, मुझे लगता है कि कर्नाटक और हिमाचल के अंदर भी चले जाएं। और जनता की अदालत ने, जनता की अदालत में तो केस हार गए हो, तो इसलिए लोकतंत्र में जनता आशीर्वाद देती है, जनता चुनाव में हिस्सा लेती है। ईवीएम का काम नहीं है जो चुनाव जिताना और हराना। तो ये इनको, ये कांग्रेस का नेतृत्व दिग्भ्रमित हो गया है। दिग्विजय सिंह जैसे लोग वैसे ही दिग्भ्रमित थे, बंटाधार तो थे ही, अब हार की खीस से और दिग्भ्रमित हो गए हैं जो ईवीएम पर आरोप लगाने लगे। कांग्रेस हार के कारण ढूंढने में जुटी है तो वो ढूंढती रहे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।